हेलो गाइस, आप लोग कैसे? फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एडिट ट्यूटोरियल में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ फोटोशॉप के अंदर 3D आप फोटो कैसे बना सकते हो। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको करना क्या, आपको एक न्यू पेज ले लेना है कंट्रोल एन करके। इधर कस्टम पे जाके आपको इसका साइज रख लेना है, ये 720 और ये 540 करके, और इसकी पूरी सेटिंग अपने आप चेंज आएगी। और फिर उसके बाद आप ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको करना क्या है, पहले आपको ये करना है, आपको जाना है फिल्टर पे। फिल्टर में जाने के बाद आपको जाना है रेंडर में। रेंडर में जाने के बाद आपको 3D ट्रांसफॉर्म में जाना है। 3D ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपको जो ट्रायंगल का साइन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको उधर पे शेप बनाना है। मैं बना रहा हूँ उत्तम वाला शेप। और उसके बाद जा रहा हूँ इस वाले टूल में। इस वाले टूल में जाने के बाद आपको उसको घुमा लेना है, सॉरी उस साइड से घुमाएगा, उस साइड से इसको आपको पूरा घुमा लेना है, जैसे कि मैं घुमा रहा हूँ इतना घुमाता हूँ। और उसके बाद आप इधर से करके थोड़ा इधर चला करना है, और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको जाना है, उसके बाद आपको फ़ोटो लेनी है, जैसे कि मैं लेता हूँ पिक लेनी है। अगर आपको एक साथ तीन फोटो, जैसे कि तीन चार फोटो लेनी है, तो उसके लिए आपको करना ही होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कंट्रोल प्रेस करके आप 1, 2, 3 ये कंट्रोल प्रेस करके लेंगे और ओपन कर देंगे, तो तीनों की तीनों फोटो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, पहली वाली फोटो पे जाने के बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल ए करना है, तो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी फोटो, फिर कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगी, फिर कंट्रोल डब्ल्यू यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लाने के लिए कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे जाएगी फोटो, थोड़ी बड़ी शेप में आएगी तो आप कंट्रोल टी करके इसको छोटी करेंगे। मैं छोटी कर रहा हूँ, इतनी छोटी करने के बाद आपको इधर पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, कुछ ज़्यादा बड़ा होगा। और फिर उसके बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल प्रेस करके इसको, इसके जो कोने हैं उनको खींचना है आपको, कंट्रोल प्रेस करके ही खींचना है आपको। इधर इसको पूरा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप प्रोसेस करते जाएं मेरे साथ साथ, कंट्रोल प्रेस कर करके आपको खींचना है इसको, ये देखिए। और उसके बाद एंटर कर देना है। फिर आपको सेकंड फोटो पे जाना है, सेकंड फोटो में भी कंट्रोल ए करना है, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कंट्रोल सी करना है, और उसके बाद आपको कंट्रोल डब्ल्यू करना है, यहाँ से इधर आ जाएगी, और फिर कंट्रोल वी कर देंगे तो इधर आ जाएगी पिक, और उसके बाद कंट्रोल टी करेंगे तो जिससे ये सिलेक्शन आप थोड़ी छोटी कर सकते हैं फोटो को, जैसे कि मैं छोटो कर रहा हूँ फोटो को। छोटी करने के बाद आपको इसको बड़ा करना है, और उसके बाद आपको कंट्रोल करके कोने पे करना है, फिर आपको कंट्रोल पे करके ही आपको इसको खींचना है, ड्रैग करना है एकदम, कंट्रोल प्रेस करके ही आपको पूरा ड्रैग करना है इसको। मैं कर रहा हूँ जैसे वैसे करते हैं आप, कंट्रोल प्रेस करके ये कोने पे कोना बचा इतना, ये देखिए हो गई। और उसके बाद एंटर कर देंगे ये, और उसके बाद ऊपर वाली सबसे लास्ट फोटो बची, इसको क्या करना है आपको, वही प्रोसेस करनी है, कंट्रोल ए पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगी, फिर कंट्रोल डब्ल्यू, और इधर पे आपको आके कंट्रोल वी कर देना है, और फिर इसमें भी वही करना है कंट्रोल टी, ताकि इसको छोटा कर लें, कंट्रोल टी से इसको छोटा कर लेंगे, मैं छोटा कर रहा हूँ। और उसके बाद आप इसको बड़ी कर लें इमेज को, जल्दी कुछ बड़ी हो गई। उसके बाद आपको करना क्या है, इधर से कंट्रोल प्रेस करके आपको इसको खींचना है, ड्रैग करना है, इधर नहीं इधर ही आपको ड्रैग करना है, इसको इधर रख लेना है, फिर आपको वापस से कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करना है इसको, इधर पे भी आपको कंट्रोल प्रेस करके खींचना है इसको, इधर रख देना है इधर, फिर कंट्रोल प्रेस करके इधर भी आपको कोने पे रख देना है, और उसके बाद एंटर कर देना है। तो देखिए गाइस, आपके सामने आपकी 3D फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो कमेंट में जरूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपको अगले टॉपिक पर इसी चैनल पर। अभी के लिए गाइस अलविदा, जय हिंद जय भारत। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पर।